विगत दिनर कथा। मध्य भारतरे इंद्रदुम्न बोली जने राजा राजुति करथि। से भगवान विष्णुंकर जने बहुत बड़ भक्त थिले। आ भगवान विष्णुंकर दर्शन निमन्ते बहुत व्याकुल मध्ये थिले। दिने स्वप्नरे भगवान विष्णु तांको दर्शन दे कहिले कि कलिंगरे तांकर निज स्वरूप को नीलमाधव रूप से पूजा करा जायछि। तापरे राजा तांको मुख्य पूजारी भाई बुद्धिमान विद्यापति को कलिंग जाई नीलमाधव संधान करिया पई आदेश देले। राजांका आदेश अनुसार तत्क्षणात विद्यापति कलिंग जाई नीलमाधव संधान रे लागी पड़ले। सेठारे से जानिबाकु पाइले कि सबर राजा विश्वावसु नीलमाधव रक्षणाबेक्षण दायित्व रे अछन्ति। तेणु से विश्वावसु को अनुरोध कले कि नीलमाधव दर्शन प्राप्त निमन्ते अनुमति दिया जाऊ। हेले विश्वावसु इष्ट देवता नीलमाधव को दर्शन काहाकु कराई परिबेनि बोली स्पष्ट भाव मना करदेले। हेले विद्यापति जे राजा परमदूत से भी भगवान दर्शन बिना से स्थान छाड़ी जीवेनि बोली प्रतिज्ञा कले। विद्यापति आचार व्यवहार चालीचलन देखि विश्वावसु कन्या ललिता मने मने विद्यापति निज स्वामी रूप से स्वीकार कर प्रेम करने लगिले। निज कन्यार प्रेम अभिलाष विषय जानवा पर विश्वावसु निज कन्या बहुत विद्यापति करवाहर किसी दिन पर एक सुवर्ण सुजोग देखि निज पत्नी सम्मुखें विद्यापति नीलमाधव दर्शन निम्ते निजर इच्छा प्रकाश कले और पिता अनुमति प्रदान करने को कहले और ललिता मध्य पिता अनुरोध कले। झीर जी दागे विश्वावसु निजर सब नीति नियम को बाग देते किंतु तांकर एने एक शर्त थिला। शर्तटी है विद्यापति को नीलमाधव दर्शन निश्चय मिलिबो किंतु से स्थान को जीवा पर्यंत विद्यापति चक्षु बंधन करा जीवो। सबर राजा आदेश मानि विद्यापति निजर चक्षु बंधन कले सत किंतु निजर उपयुक्त बुद्धि और दक्षतार प्रयोग कर जीवापटे हाथ में लुचाई धरी सोरीस मंजी को बाटसारे बिंची चलीगले। कहीं राजा आदेश अनुसार से राजा को नहीं पुणी थे नीलमाधव सन्धान में आसपारे सेथिपाई से यही सोरीस मंजी को उपयुक्त पथ चिन्हट करने बुणी थे। जेतेबेले गुंफा निकट को जाई विद्यापति नीलमाधव दिव्य स्वरूप दर्शन कले से निज चक्षु को विश्वास कर पारे से स्वयं नीलमाधव को निज सम्मुख में देखुं। किसी दिन पर विद्यापति निज राज्य को फेरी जाई राजा इंद्रदुम्न को समस्त घटना विषय अवगत कराइले। यापर राजा आउ डेरी नक निज भगवान दर्शन निम्ते विद्यापति सांगरे नहीं से स्थान को गमन कले। जो समय राजा विद्यापति से गुंफा प्रवेश कले हेले से स्थान में नीलमाधव अंतर्ध्यान हो जाते। यह देखि राजा बहुत दुख अनुभव। ठीक यही समय स्वर्गर एक शून्यवाणी है कि हे राजन तुम्हें पूरी जाओ सेठारे एक दारू समुद्र में भासमान अवस्था अच्छी से ही दारू को समुद्र पानी उद्धार कर। राजा से आदेश को पालन कर जिते पूरी गले सेठार से देखा पाइले कि सतरे समुद्र जल एक दारू भासमान अवस्था अच्छी। राजा इंद्रदुम्न दारूटी को उद्धार कर निज राजमहल को नहीं आसते हेले से दारू मध्य कहीं भी नीलमाधव स्वरूप सन्धान पाइले। इतिमध्य राजा सब प्रचेषा विफल हो परिशेष देवता शिल्पकार विश्वकर्मा एक बुढ़ा बढ़े बेस प्रकट हो से राजा को भरोसा देते कि से दारू मध्य नीलमाधव स्वरूप को निर्माण करें एक शर्त थी कि एक दिन पर्यंत जपरी कहीं कार्य बाधा सृष्टि न करते। राजा इंद्रदुम्न शर्त राजी हो जाते 15 दिन पर निर्माण घर कौन शब्द न आसवर महाराणी धैर्यरा हो निर्माण घर कबाट खोल निमंत राजा को अनुरोध कले। राजा राणी को अनुरोध क्रमे निर्माण गृह फाटक खोल क्षणी देखा पाइले वृद्ध बड़े अंतर्धान हो जाते और मूर्ति गुड़िक अर्धनिर्मित अवस्था। यही तीन अर्धनिर्मित काठर मूर्ति यथाक्रमे पूरी बड़देवल प्रतिष्ठित थिबा प्रभु जगन्नाथ बड़भद्र और माँ सुभद्रा प्रतिमूर्ति थी। आज भिडियोटी आपण मेमी लगला मतामत देवाक जमार भूल आउ हाँ भिडियोटी लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करदे। आजपाई रही जय जगन्नाथ।